ये इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट हमारी आवाज़ वैसे ही सुन सकता है जैसे हम बोल रहे हैं, उसे प्रोसेस करेगा और हमारे हमें रिप्लाई भी देगा हमारी आवाज़। ये अभी चल सकता है, हैंड मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स और ये सब है, और इसमें वॉइस मॉड्यूल भी आएगी जिससे वो हमारी बात सुनेगा और रिप्लाई करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन डालने वाला है। जो तो सिलेबस से हटके आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? लगता है कि आफ्टर सेंचुरीज या रोबोट्स की दुनिया होगी। हम लोग ने सोचा था कि मतलब अगर फ्लॉप भी हो जाए तो इसे बंद तो नहीं करना, क्योंकि मतलब भले ही टाइम लगे लेकिन इसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल सक्सेस की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और मेहनत करके आज जो एक झांसी के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने वो कर दिखाया है जो वाकई काबिले तारीफ है, और हम आपको उनका ये कारनामा दिखाएंगे जो वाकई जो भी देख रहा है वह इन बच्चों की तारीफ कर रहा है। दरअसल आप मेरे सामने ये देख रहे होंगे, ये रोबोट है और इन बच्चों ने इस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये रोबोट बनाया है। हम बताएंगे आपको ये रोबोट क्या करता है और किस तरह ये वर्क करता है और क्या रिस्पॉन्स ये रोबोट देता है, और बच्चों ने कितनी मेहनत करके ये रोबोट में बनाने में ये बच्चे सक्सेस हुए हैं। सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे कि क्या किस तरह ये रोबोट उन्होंने बनाया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष गुप्ता। अच्छा, किस क्लास में हो? 8th। 8th में। किस तरह ये रोबोट बनाया है, आपने बनाया है या फिर सब मिलके बनाए? हम सब ने मिलके बनाया है। मिलके बनाया है। अच्छा, किस तरह इसको बनाया गया है और क्या कुछ इसके अंदर सेंसर लगाए गए हैं पता है? इसमें ऑलमोस्ट 6 पैनल लगाए हैं और जो कि रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं। अच्छा, कितने दिन लगे इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए कुछ 10-15 डेज़ के आसपास का समय लगा है हम लोग को। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इसे बनाने का, तो हमने इसके लिए पहले हमारा सारा सामान गैदर किया, जो भी हमारा मैनिकिन और सारा बेस वगैरह मोटर ली, और उसके हेड को रोटेट करने के लिए सारे मोटर ली, उसके हैंड मूवमेंट्स के लिए सब मोटर ली, उसमें चैनल्स लगाए फ्रीक्वेंसी के, तो उसकी वजह से अपने पूरा अच्छे से टाइम लगा के उसके रिमोट कंट्रोल्स लिया और उसको पूरा बनाया है। अच्छा, क्या कुछ खासियत है इस रोबोट? ये अभी चल सकता है, हैंड मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स और ये सब है, और अभी हम लोग इसमें वॉइस भी डालने की सोच अच्छा, रहे हैं। वॉइस अभी इसमें नहीं? नहीं, अभी इसमें वॉइस नहीं है। क्या कुछ ये और कर सकता है? जैसे आपने कहा कि हैंड मूवमेंट ये कर सकता है, तो और क्या कुछ खासियत है इसकी जो सबसे अलग इसको बनाती है? हेड मूवमेंट भी कर सकता है। अच्छा, इसको इसकी खासियत आप ये देखिए कि इसका जो बनावट है पूरी इंसानी तौर पर ये आपको दिख रहा होगा, पूरा बिल्कुल एक बच्चे की तरह ये रोबोट है और ये बिल्कुल फैमिलियर लग रहा है आप लोगों की तरह। हाँ, ये बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है। हाँ, ह्यूमन जैसा बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश सिंह। किस क्लास के हो? 7th क्लास। 7th के हो। आप लोगों ने मिलकर ये जो रोबोट बनाया है तो कितनी मेहनत लगी है आपको? इस रोबोट को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। कितना टाइम दिया है आपने इस रोबोट को बनाने में? कम से कम पर डे के हिसाब से 3-4 आवर्स, मतलब इससे भी ज़्यादा हमने इस रोबोट को पर डे दिया है, मतलब बनाने में। और फिर इस रोबोट को टोटली कंप्लीट होने में 10-15 डेज का टाइम लगा है। और हमारे रोबोटिक्स टीचर वरुण सर ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस रोबोट को बनाने। अच्छा, ये सिलेबस से हटके है आपके, क्योंकि 7th और 8th में कहाँ ज़्यादा रोबोट का कुछ होता नहीं है, तो सिलेबस से हटके आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए मैम, जब हमने रोबोटिक्स के लिए ऑप्ट किया था तो उसमें हमने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को बनाते बनाते हमारा इंटरेस्ट रोबोट में आ गया। अच्छा, कि क्या कुछ अलग क्लासेस लगती हैं आपकी रोबोटिक की? जी मैम, हमारे पीरियड स्टार्ट होने से पहले एक 0 पीरियड होता है, उसमें ये रोबोटिक्स वगैरह सब कुछ। अच्छा, एनिमेशन ये सब उसी 0 पीरियड में होता है। एकेडमी में इंटरेस्ट है, जैसे कुछ बच्चों का एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो वो एनिमेशन करते हैं 0 पीरियड में, और जिनका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है वो रोबोटिक्स। जी, और इसमें हम लोग का एकदम से बहुत इंटरेस्ट आया जब वरुण सर ने बताया कि जैसे इसमें कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे ये इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट हमारी आवाज़ वैसे ही सुन सकता है जैसे हम बोल रहे हैं, उसे प्रोसेस करेगा और हमारे हमें रिप्लाई भी देगा हमारी आवाज़ सुन के, और जो भी हमारे जो भी इमेजेस और वीडियोस ऑडियोस ये सब हैं उसे वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर विजन से, और एल्गोरिदम्स लगाएगा और बाकी
पुराने उसकी जो कैप्चर्ड इमेजेज है उसे प्रोसेस करके हमें अच्छे से रिजल्ट्स बताएगा। ये ऐसे भी कुछ इसमें फीचर्स करने वाले हैं। तो ये जब सर ने ये बात बताई हमें, वरुण सर ने, तो इसने हमारा बहुत इंटरेस्ट मतलब आगे किया और हमारा मन किया कि इसे बनाएं और इसमें अपना टाइम दें। अच्छा, आगे क्या करने चाहते हो? अभी आगे हम इसमें वॉइस डालेंगे और ये जो भैया ने बताया ये सब अभी हम इसमें आगे डालना चाहते हैं। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? रोबोटिक्स की फील्ड में ही आगे जाएंगे। अच्छा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करना है आपको? अच्छा, क्या कुछ आपने मेहनत लगाई है इस रोबोट को बनाने के लिए? किस तरह आपने ये सोचा है कि बनाना चाहिए रोबोट? हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत लगाई है, जैसे ये पहले बता चुका, अबाउट 3 to 4 hours पर डे। और अभी हम लोग इसमें आगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन डालने वाले हैं, जो उसने पहले बोला। और हम लोग इसमें कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क भी डालने वाले हैं, जो हम लोगों की तरह से थिंकिंग कैपेबिलिटी भी देता है। क्या नाम है आपका? पीछे छुप रहे हो तुम तो। मेरा नाम युवराज है। अच्छा, तुमने जब ये रोबोट बनाने की सोचा होगा आप सभी लोगों ने, तो क्या आया था कि ये रोबोट इतना बन सकता है, सक्सेस हो सकता है या सिर्फ एक फ्लॉप हो जाएगा? सक्सेस होगा, मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा सोचा था? पहले पर हम लोगों ने हार्ड वर्क करके मतलब उसे सक्सेसफुल कर, हम लोग ने सोचा था कि मतलब अगर फ्लॉप भी हो जाए तो इसे बंद तो नहीं करना है, क्योंकि मतलब भले ही टाइम लगे लेकिन इसे बनाना है, क्योंकि हमने एक बार ठान लिया था कि इसे बनाना है और इसमें इतने सारे फीचर्स डालने हैं, तो फिर हमने कहा था एक बार बनाएंगे और इसमें जो भी सेंसर्स वगैरह है सब डालेंगे। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या सेंसर आपने डाले और क्या अंदर से किस तरह से ये वर्क करेगा बताइए। इसमें नीचे हमने 4 मोटर्स लगाई हुई हैं ताकि ये आगे पीछे चल पाए। हमने इसके हैंड के लिए ये मोटर लगाई है, जब ये मोटर ऊपर नीचे वर्क करती है तब ये हैंड ऊपर नीचे होते हैं। हमने इसके हेड में यहाँ पे एक मोटर लगाई हुई है, तो रिमोट से कंट्रोल करने पे इसका ये हेड ऐसे ऐसे मूव करता है। तो इसमें सेंसर्स भी लगी हैं जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं, जिससे कि वो उसमें मूवमेंट में दिक्कत नहीं आती, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके वो ढंग से मूव कर पाते हैं। और इसमें हम लोग जैसे गूगल असिस्टेंट जैसे होता है एलेक्सा वैसे, इसमें वॉइस मॉड्यूल भी आएगी जिससे वो हमारी बात सुनेगा और रिप्लाई करेगा। अच्छा, अभी क्या कुछ ये कर सकता है? क्या कुछ सुन सकता है, बोल सकता है? नहीं, अभी इसमें हम लोग को डालना है, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट सेंसिटिविटी मूविंग है, सिर्फ मूविंग है। हाँ, मूविंग है, रोटेशंस है, हाँ, मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, ये सब इसमें। इस उम्र में 7th और 8th क्लास के लेवल तक ये बच्चों का ये जो इतना ही कारनामा काफ़ी सक्सेस हुआ है कि मूविंग रोबोट जो बनाया है, इनके एक टीचर हैं, हम उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने बच्चों के लिए हार्डवर्क किया है। क्योंकि सबसे बड़ी सक्सेस के पीछे अगर कोई होता है बच्चों की, तो पेरेंट्स और उनके टीचर होते हैं जो उनको आगे लाने में हमेशा उनको प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं कि उनको उनके बच्चों को आगे क्या करना चाहिए। अभी जैसे हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ही जाना है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कहा जाता है कि आगे आफ्टर सेंचुरीज कुछ ऐसा होने वाला है कि एक दुनिया होगी जो रोबोटिक दुनिया होगी, ऐसा सोचा है, पढ़ा है कहीं पर? हाँ, हमने ऐसा पढ़ा है, क्योंकि आजकल के जो AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतने डेवलप होते जा रहे हैं कि उनमें ऐसा कि अपने आप से नॉलेज और स्किल्स आ रही है कि वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं बिल्कुल, मतलब एस्पेक्ट उनका ह्यूमन से ज़्यादा, मतलब 100% लॉजिकली वो सोच पा रहे हैं और ह्यूमन्स को सरपास कर पा रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब इतने अच्छे हो पा रहे। तो लगता है कि आफ्टर सेंचुरीज या रोबोट्स की दुनिया होगी पूरी। ऐसा कहा जाता है कि एक दुनिया होगी, रोबोटिक दुनिया होगी, जो रोबोट ही जो होंगे वो वर्क करेंगे। आगे हम आपको इनके टीचर से भी मिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बच्चों से कहेंगे कि इस रोबोट को हमें कंट्रोल करके दिखाएं जरा कि किस तरह आपने ये रोबोट बनाया है और किस तरह ये क्या क्या वर्क कर सकता है। देख रहे होंगे आप, ये बच्चे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, कंट्रोल देखो, आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल पावर स्टार्ट हो गया है और मूविंग भी करने लगा है, यानी कि ये सक्सेस मिल चुकी है बच्चों को। आप देख सकते हैं रोबोट मूव कर रहा है। और क्या कुछ कर सकता है मूविंग के अलावा? ये देखिए, आप हैंड्स भी मूव हो रहे हैं, इसके हेड मूव भी बोला था, हेड भी मूव हो सकता है। ये देखिए, हेड मूविंग भी है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ सेंसर इसके अंदर लगे होंगे कि ये पूरा मूविंग रोबोट, और सबसे खास बात तो ये है कि ह्यूमन के जैसा बिल्कुल दिखने वाला है, उसको कपड़े भी ह्यूमन के जैसे ही पहनाए हुए हैं कि देखिए आप मूविंग कर रहा है।
अंदर बताया गया कि इसके आने वाले समय में इसमें और फीचर्स डालेंगे जो नेचुरल वॉइस दे सकता है और पूरा गूगल एनालिसिस भी कर सकता है। सारे इसके अंदर सारे पावर होंगे कि ये बोल भी सकता है। ये आप देख रहे होंगे वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है रोबोट को और यहाँ से ये उसका रिस्पांस भी दे रहा है। कुछ ही दिनों की मेहनत है बच्चों की और उसमें भी बच्चों ने सक्सेस पाई है और आगे भी इसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि और फीचर्स होंगे। ये देखिए बच्चा मूव कर रहा है वहाँ से, पूरा उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बच्चों को पूरा सिखाया गया है रोबोटिक की, उनकी अलग से क्लास होती है जिसमें बताया गया कि किस तरह रोबोट वर्क करता है और किस तरह रोबोट के फीचर्स होते हैं, क्या सेंसर वर्क करते हैं। आप देखिए वहाँ से ये बच्चा मूव कर रहा है उसको। और ये हम आपको बता दें कि ये झांसी में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर एक स्कूली बच्चों ने ये इस तरह रोबोट पर वर्क किया है और रोबोटिक उनकी क्लासेस अलग से लगती हैं। अभी हम इनके टीचर से भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने बच्चों को आगे इंस्पिरेशन दिया है इस रोबोट को बनाने के लिए। आप ये मेरे देख सकते हैं कि किस तरह ये रोबोट जो है वर्क कर रहा है, बच्चों के रिस्पॉन्स वहाँ से बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद ये आउटपुट भी दे रहा है। वायरिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है इसमें। चलिए अब इनके टीचर से जान लेते हैं जरा कि क्या कुछ इन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की है। तो बच्चों के टीचर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह बच्चों ने इस रोबोट को बनाने के लिए मेहनत की है। आप रोबोट तो अभी आपने देख ही लिया होगा, सर कितनी मेहनत लगी है इस रोबोट को बनाने के लिए? ये वैसे तो काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे थे काम इस पर, लेकिन जो फैब्रिकेशन और जो प्रॉपर वर्क हुआ है वो 8 से 10 दिन में ही हुआ है लगभग। सर अभी क्या और इसमें होने को रह गया है, क्या फिनिशिंग इसमें दी जाएगी, क्या फीचर्स इसमें लगा जाएंगे? अभी हम सोच रहे हैं वॉइस असिस्टेंट के लिए, ताकि ये रिस्पांस करेगा, इसकी आंखों की जगह हम कैमरा भी लगाएंगे और ऑब्स्टिकल डिटेक्शन इसमें हम ऐड करेंगे कि अगर जैसे हम रिमोट चला रहे हैं अगर गलती से कोई ऑब्स्टिकल आ जाए इसके सामने या कोई बच्चा आ जाता तो ये अपने आप रुक जाएगा, हिट नहीं होगा। भले ही हम यहाँ से पावर जा रहे हो लेकिन वो अपने आप उसे डिटेक्टर जी वो अपने आप रोक देगा उसे। रोबोट सर ऐसा कहा जाता है कि एक सेंचुरीज के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि रोबोट की एक अलग ही दुनिया होगी और रोबोट का इंसानों जैसा ही वर्क करने लगेंगे और किसी मशीन की ज़रूरत ही नहीं होगी, इंसानों के वर्क की ज़रूरत ही नहीं होगी, सारा काम रोबोट कर लेंगे, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सऊदी अरब में सोफिया जैसे बनाया गया है पहली रोबोट है ह्यूमनॉइड, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो इनको यूज़ करती आ रही है। मैन पावर कम यूज़ हो रही है वहाँ पर, रोबोटिक आर्म्स ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमन नहीं कर सकता, तो वो सारे काम रोबोट से ही किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा इरा भी आए जिसमें रोबोटिक्स ही हो। हाँ, इस रोबोट को बनाने के लिए कितने दिन पहले आप लोगों ने सोच लिया था और क्या कुछ बच्चों ने आपको आइडिया दिया था या आपने उनको सजेस्ट किया था कि किस तरह ये रोबोट बनना चाहिए? ये सब बच्चे आते हैं मेरी लैब में, तो हम लोग ऐसे ही प्लान कर रहे थे कुछ कुछ, लेकिन इसको ये शेप देना अभी रिसेंट में हम लोगों ने सोचा। पहले नॉर्मल हम बना रहे थे लेकिन इसको ह्यूमनॉइड वाला शेप देना तो अभी हम लोग का रिसेंट का ही आइडिया था, तो फिर हम लोगों ने अरेंज किया सारा सामान और बना दिया। कितना क्या सेंसर लगे हैं इसमें, क्योंकि वायरलेस पूरा दिख रहा है हमको, वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, कितने किस सेंसर का वर्क हुआ है इसमें? ये 6 चैनल की हमने प्लेट लगाई है इसमें एक, तो उससे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू इससे कनेक्ट है ये। ये IC लगी हुई है, ये इससे पूरा कनेक्ट रहता है इसमें, रेडियो चैनल है और वायरलेस, इसकी रेंज भी अच्छी खासी। सिर्फ ये एक बैटरी से चलता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। और कैसे, हाँ कैसे सोचा था इसको कि बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहिए? और मैम ने भी बताया कि यहाँ पर जो है अलग से क्लासेस लगती हैं बच्चों की, रोबोटिक क्लासेस, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मैम मुझे 5 साल हो रहे हैं इस स्कूल में, मैंने जब से स्कूल खुला तब से मैंने ज्वाइन किया और स्पेशली रोबोटिक्स एनिमेशन का ही टीचर हूँ मैं, तो ये बच्चे फर्स्ट बैच के ही हैं सब, तो मैं जब से आया हूँ तब से ये रोबोटिक्स मिलने का भी इंटरेस्ट था, कहीं कुछ प्रोजेक्ट बनाने, कहीं कुछ प्रोजेक्ट बनाने, तो प्रोजेक्ट बनाते बनाते फिर इसका भी आइडिया आ गया कि चलिए ये भी करते हैं, और अच्छा रिस्पांस मिलता है पेरेंट्स का भी बच्चों का भी कि हाँ कि कुछ अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ साइंस मैथ या हिंदी ही पढ़े,
कुछ अगर एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हैं तो वो आगे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बिल्कुल, एक अलग ही फील्ड क्योंकि अभी निकल के आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और अब बच्चे उसमें खूब इंटरेस्ट भी रख रहे हैं, जाना भी चाह रहे हैं। एक बच्चे ने भी बोला कि हाँ मैं उसमें जाना चाहूँगा। तो क्या कुछ यहाँ के बच्चों का रहता है कि उनको क्या बनना है आगे, क्योंकि एक ऐसा होता है कि कई बार उनको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, कई बार स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कई बार इसमें, तो कि क्या कुछ गिने चुने ही बच्चे इसमें निकल के आए हैं या सभी का इंटरेस्ट ऐसा रहता है? नहीं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो आते ज़रूर हैं, हालांकि पेड एकेडमी है लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है वो आते हैं हमारे पास। बहुत सारे बच्चे ये तो पहले ही बैच से आ रहे हैं, ये दोनों आदिक मिश्रा आदिक कटलोया, ये बच्चे पहले फर्स्ट बैच के हैं और पिछले 5 साल से रोबोटिक्स सीख रहे हैं मेरे पास। तो मुझे उनको बताना भी नहीं पड़ता कोडिंग के लिए या उसके लिए, वो सब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि टीचर ने बताया कि क्या क्या कुछ उन्होंने इस रोबोट को बनाने के लिए किया है और क्या हार्डवर्क उनको लगा है और कैसे वो कंट्रोल करता है, ये भी आपको बताया होगा कि वायरलेस किस तरह से कंट्रोल है। मीनाक्षी फैशन हब, महिलाओं के लिए सभी तरह के सूट, बस साड़ी यहाँ उपलब्ध। फुलकारी सूट, प्लेन व प्रिंटेड प्लाजो सूट, राजस्थानी हो या पार्टी वेयर, मिलेगी हर तरह की साड़ियाँ। नाइट सूट्स एंड नाइट गाउन्स, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम के रीजनेबल प्राइस में ब्रांडेड कपड़े। लेगिंग्स एंड पैंट्स, लायरा एंड कंफर्ट्स, टेलर आल्सो अवेलेबल। स्टेशन रोड नियर ट्रांस मोबाइल्स इन फ्रंट ऑफ टेंडर हर्ट्स स्कूल, सिविल लाइंस, झांसी।